अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सारा इराज के चैनल व्लॉग से। तो आज हम आपके साथ बीफ के कबाब यानी कि शामी कबाब आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो एक नए टेक्निक से बने हुए हैं। तो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शेयर ही करते रहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन को आप क्लिक करना ना भूलें, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ शामी कबाब बनाना। तो सबसे पहले एक चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें ये आधा इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसके दो तीन पीस कर लिए हैं, और इसमें पाँच छः लहसुन की कलियाँ डालेंगे। ये 250 ग्राम कीमा है, तो बस ये जो हमारा लहसुन और अदरक फ्राई हो रहा है उसी में ये डाल लीजिएगा। लहसुन और अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौटे का लेना है। ये देखिए बस हल्का सा सौटे हुआ है, और इसी में हम कीमे को डाल देंगे। तो इसको जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता है तब तक इसको अच्छे से सौटे करते रहेंगे, और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। ये लहसुन और जो अदरक पड़ा हुआ है इससे स्मेल निकल जाएगी। तो ये देखिए इसका सारा पानी जो स्मेल करता है वो चला गया है। अब इसमें हम चने की दाल डालेंगे जो कि 100 ग्राम है। तो ये 100 ग्राम चने की दाल है, क्योंकि कीमा मेरा पाव भर है, तो 100-125 ग्राम डाला जाएगा, जस्ट हाफ डाला जाएगा, क्योंकि ये इसके शामी कबाब बनेंगे। तो एक नए तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को। तो कुकर में हमने दाल को डाल दिया है, अब इसमें और मसाले शामिल करते हैं। तो ये हमारे कुछ मसाले हैं, ये आधा चम्मच हमारा आधा चम्मच से कम है काली मिर्च है, और आधा चम्मच जीरा है, तीन छोटी इलायची हैं, और तीन लौंग हैं। ये छोटी छोटी दालचीनी के टुकड़े हैं वो डालेंगे, एक तेज़पत्ता है। ये मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये सारी चीज़ें आपस में भीग जाएं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, तो बस इतना ही डालना है कि सारी चीज़ें हमारी डूब जाएं। फिर इसको दो सीटी लगाना है, और उसमें और कुछ मसाले पीसे हुए मिक्स करते हैं। तो खड़े मसाले डालने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि कबाब में कलर बहुत अच्छा आता है, तो आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, अगर कम ज़्यादा होगा वो आप बाद में जब आप कबाब बनाने लगेंगे तब उसमें टेस्ट कर लीजिएगा। तो आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक डाल रहे हैं। अब इस भी कम से कम इसको ढक्कन लगा के कवर कर देंगे, और कम से कम 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकने देंगे, जब तक इसका पानी जल ना जाए और दाल पक ना जाए, दाल और कीमा। तो चलिए चेक करते हैं कि कीमा हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए दाल हमारी गल चुकी है, और ये कीमा भी अच्छे से गल चुका है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी है, वैसे भी ये हो चुका है, पानी इससे बिल्कुल भी नहीं है, इतना पानी ही डाला गया था। अगर इस तरह से आप पानी डालेंगे, सिर्फ जो भी आप चीज़ें डालें वो बस भीग जाए, उसके बाद उससे ज़्यादा पानी आपको नहीं रखना है, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको सिल बट्टे पर पीसेंगे, क्योंकि उससे सारा टेस्ट, सारे मसालों का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो इसको हम सिल बट्टे पे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बन चुका है, पिस गया है, तो इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और अगर हम मिक्सी में इसको पीसते तो कहीं ना कहीं खड़े मसाले रह जाते। तो सारे से तेज़पत्ता बाहर निकाल दिया, और दालचीनी को, और बाकी हमने सारे मसाले को इसमें पीस लिया। तो ये बारीक पीस चुका है, अब इसमें हम कुछ धनिया वगैरह मिक्स करते हैं। तो उसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे लाल, तीखा आप अपने जिस हिसाब से खाते हो, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। एक चम्मच हम डालेंगे ये भुना हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च है वो डालेंगे। तो उसमें कटी हुई हरी धनिया कटी हुई डाल दी है हमने, एक थोड़ी सी हरी धनिया डाली है,
कुछ पुदीने के पत्ते हैं, ये मेरे ही गार्डन के हैं, अभी छोटे छोटे हैं तो इनको भी डाल देंगे, इनको काटेंगे नहीं क्योंकि इसका जो खुशबू होती है वो कम हो जाएगी, तो उससे पत्ते तोड़ तोड़ के इसी में डाल देंगे। तो ये कम से कम हमारा 350-400 ग्राम का है, तो इसमें आधा हम नींबू निचोड़ लेंगे क्योंकि ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको निचोड़ देते हैं। तो इसमें ये आधा नींबू निचोड़ दे रहे हैं और इसको इस सारे एक साथ मिक्स कर देते हैं, इसका एक पेस्ट बना देते हैं। तो ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है कीमे का, इसको सब अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, कबाब बनाने के लिए ये हो गया है। तो उसकी आप टिकिया बनाकर आप 1 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, लेकिन प्याज ना डालें, और अगर प्याज डालना है, वैसे मैंने स्किप कर दिया, पिछली बार मैंने प्याज डाला था, आपकी प्याज नहीं डाला है तो अगर चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर इसको काफ़ी दिनों तक रखना चाहे महीने भर के लिए तो उसे प्याज ना डालें, जब आपको बनाना हो तभी आप डालें। तो अब हम टिक्की बना लेंगे, इसमें से थोड़ा सा लेंगे और छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे, इस तरह से लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स इस तरह से टिक्कियाँ हम बना लेंगे, अब हम इनको फ्राई करते हैं। सैलो फ्राई हमारा हो चुका है और हमने तेल डाल दिया है, इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाला है। देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो रही हैं, ये नीचे से हो जाएंगी तो फिर इनको पतले फ्लैट चम्मच से पलट देंगे। तो ये देखिए इसको हमने पलट दिया है, इसी तरह से सारी टिक्कियाँ और भी सेक लेनी है। तो फ्रेंड्स हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, ये बीफ कबाब हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से बनाकर। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।